पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। दोस्तों, आपका शेफ हसन इमरान खान जी कोर्स 99 से हाजिर है और स्पेशल एपिसोड है और तमाम ही हमारे व्यूअर्स, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब और जो हमें देखने वाले हैं उन तमाम को जो है वो ईद की बहुत बहुत ढेरों मुबारकबाद। पहला एपिसोड आज आपके लिए लेके आ रहे हैं। ईद के बाद रमज़ान मुबारक में बेइंतहा मसरूफियात थी जिसके बाइस प्रॉपर मैं तो कम से कम किचन में बिल्कुल नहीं इस वाले आ सका अपने वाले में, और कैटरिंग की जो मसरूफियात थी, फिर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन थी मुस्तहिकीन के अंदर पूरे महीने रोज़े की, अफ्तार की, फिर सहरियों की, 21 रमज़ान के बाद शुरू हुई, तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी जिसकी बिना पे जो है वो आपसे थोड़ी सी दूरी भी रही, लेकिन गाहे बगाहे कोशिश की कि आप लोगों से जो है वो टच में रहूँ मैं। और इसी तरीके से आप लोग के लिए अपने कैटरिंग से भी व्लॉग लेके आता रहा, कैटरिंग के व्लॉग्स लाता रहा, सहरी के लाता रहा, रेसिपीज़ लाता रहा आपके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी जिसकी वजह से जो है वो आज ईद का पहला दिन है और आज भी आप लोगों के लिए ज़बरदस्त किस्म की एक रेसिपी अपने किचन से आज लेके आ रहा हूँ, और तो बिल्कुल ज़रूर उसको देखिएगा। और चिकन टिक्का दम बिरयानी जो है वो इंशाल्लाह ताला बनाऊँगा आपके लिए, ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी होगी, बहुत मुख्तसर से वक्त में, बहुत मुख्तसर से मसालों के साथ तैयार करूँगा इसको। ज़रूर ईद पे बनाइएगा, ईद का पहला दिन है। आप तमाम व्यूअर्स को, तमाम दोस्तों को, तमाम हमारे चाहने वालों को जो खान जी फूड्स 99 को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन तमाम को, पूरे पाकिस्तान को, दुनिया में बसने वाले तमाम जो पाकिस्तान से बाहर हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें लाइक करते हैं, उन तमाम लोगों को खान जी फूड्स की पूरी टीम की जानिब से, एनी एहसन की जानिब से ईद की ढेरों मुबारकबाद। चलते हैं चिकन दम बिरयानी की रेसिपी की जानिब, तो किचन में ले जाके आपको इंशाल्लाह ताला दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमने डालनी है। जी दोस्तों, तैयारी जो है वो चिकन दम बिरयानी की शुरू करते हैं, ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी होगी इंशाल्लाह ताला। चिकन मैंने तकरीबन 1.5 पाव ये ले लिया है, इसके साथ मेरे पास टिक्के का मसाला है, आप किसी भी ब्रांड का टिक्के का मसाला ले सकते हैं। राइस मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव के करीब ही है और दही मैंने जो है वो ले लिया है 1 पाव। इसी दही के ऊपर जो है ना वो ये इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है, बाकी वेजिटेबल है मेरे पास, जिस जिस तरीके से जो जो चीज़ अप्लाई करूँगा इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो 1.5 पाव चिकन के अंदर जो है वो तकरीबन 1 चम्मच जो है वो खाने का मैं टिक्का मसाला शामिल करूँगा, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर तकरीबन जो है वो 150 ग्राम जो है वो दही शामिल कर दूँगा, ये इसके अंदर चली जाएगी। इसके साथ मैं इसके अंदर लेमन शामिल करूँगा, 1 लेमन का जूस इसके अंदर जो है वो चला जाएगा। बहुत ज़्यादा कोई मसाले इसके अंदर नहीं जाने हैं क्योंकि हमने इसको जो टेस्ट देना है वो टिक्के का टेस्ट हमने इसको देना है कि टिक्के का टेस्ट इसके अंदर जो है वो आए और ज़बरदस्त किस्म का जो स्मोकी फ्लेवर होता है वो इसके अंदर आया। 3 से 4 ग्रीन चिली इसके अंदर मैंने डाल देनी है, तकरीबन जो है वो 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है, और सबसे अहम चीज़ इसके अंदर जो होती है वो ज़ाहिर सी बात है जर्दे का रंग आपको पता है शामिल किया जाता है ताकि इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाए। ये जर्दे का रंग मैंने इसके अंदर शामिल किया है, मैंने लिक्विड फॉर्म में लिया हुआ है जर्दे का रंग, अब इसको अच्छे से मैंने इसके अंदर जो है वो मिक्स कर लेना है ताकि मसाला मेरा अच्छे सा जो है वो चिकन के ऊपर शामिल हो जाए। अब हमने इसको कुक नहीं करना, हम इसको कुक नहीं करेंगे, सिर्फ राइस इसके ऊपर जो है वो बॉयल करेंगे, डालेंगे इसको 1 घंटे के लिए मैं मैरिनेट करके जो है वो रख दूँगा। आपके पास अगर टाइम ना हो तो आप इसको डायरेक्टली भी जो है वो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, लेकिन अगर इसको मैरिनेट करेंगे तो अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर चिकन के अंदर तक आ जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में भी आप इसको बना सकते हैं। किसी फालतू चीज़ का इस्तेमाल इसके अंदर हमने नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो फ्लेवर है हमें वो टिक्के का चाहिए। लास्ट में थोड़ा सा धनिया पुदीना इस्तेमाल करूँगा, आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, टिक्का दम बिरयानी का जो है वो हरा मसाला मैंने तैयार कर लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने लेमन एक छोटा ले लिया है और इसके अंदर धनिया पुदीना मैंने थोड़ा सा शामिल किया है, और ताकि इसका ज़बरदस्त किस्म के जो है वो फ्लेवर सारे हमारे जो वेजिटेबल है इसके अंदर शामिल हो जाए। देखें, इसके अंदर हमने इसको अच्छे से शामिल कर देना है, और स्पाइसेस तो आपकी अपनी मर्ज़ी, जिस तरह स्पाइसेस आप खाते हैं इस तरह बिरयानी के अंदर डालें। मैंने, क्योंकि आपको पता है मेरी जो डिशेस होती हैं उसके अंदर स्पाइसेस ज़रा कम होते हैं, तो बस इसको मैंने इस तरीके से शामिल किया है। इसको कोयले का दम लगाते हैं, तो आपसे मिलते हैं।
दोस्तों कोयले के दम का वक्त आ गया है। कोयला मैंने इसके अंदर जो है वो एक अच्छा सा जो है वो गर्म करके रख दिया है, और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का जो है वो कोयले का वो आना शुरू हो गया है। इसको 5 से 7 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूंगा ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा सा जो टिक्के का हमारा फ्लेवर है वो इसके अंदर शामिल हो जाए। तो बस अब इसके अंदर जब राइस डालते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं। पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, टेस्ट के मुताबिक जो है वो इसमें नमक शामिल कीजिए। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक को शामिल कीजिए, जितना आपको नमक चाहिए हो पानी के अंदर नमक शामिल कीजिए। जी दोस्तों पानी अच्छा सा बॉयल हो गया है, इसमें मैंने तकरीबन जो है वो 1.5 चम्मच जो है वो और टेबल स्पून जो है वो डाला है सॉल्ट का, और ज़बरदस्त किस्म का इसका जो है वो टेस्ट आ गया। बिरयानी में थोड़ा सा जो नमक है उसको थोड़ा सा उठता हुआ रखा करें ताकि जब वो राइस के अंदर शामिल हो, क्योंकि पानी तो हमने इसका फेंक देना होता है, तो जब वो शामिल हो तो अच्छे से जो है वो तमाम राइस के अंदर हमारे जो है वो नमक चला जाए। बस इसको बॉयल करते हैं तो आपको दिखाते हैं। राइस अच्छे से बॉयल हो रहे हैं, राइस के साथ हम आपको दिखाते हैं। अब तक आपने देखा होगा कि मैंने इसके अंदर जो है वो घी का या तेल का कोई इस्तेमाल नहीं किया था, और इस स्टेज पर आके मैं इसके अंदर तकरीबन 3 खाने के चमचे जो है वो घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसके बाद इसके अंदर इंशाल्लाह ताला अपने जो है वो राइस डालेंगे। अच्छा, इसके साथ ही एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि देखें ये जो पानी मेरा बॉयल हो रहा है राइस का ना, जिसको पकवान की ज़बान में तो आप ही कहते हैं, लेकिन घर में जो हम ये बना रहे हैं इसको मैंने अब तकरीबन 1 कप पानी जो है वो यही वाला चावलों वाला जो पानी है वो मैंने इसके अंदर बस शामिल कर देना। अब देखें ज़बरदस्त किस्म के इसके ऊपर जो है वो पानी भी शामिल हो गया। अब मैं इसके ऊपर तकरीबन जो मेरा 80% राइस है वो इसके ऊपर डालूंगा, जो यानी बॉइल्ड हुआ 80% राइस है वो इसके ऊपर मैं डालता हूँ। तो राइस तकरीबन 80% हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है, और बस ये मैंने यहाँ से लेना है और चिकन टिक्का दम बिरयानी के ऊपर जो है वो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको शामिल कर दूंगा ताकि ये अच्छा सा जो है वो चारों तरफ हमारे जो है वो राइस फैल जाएं और चिकन हमारा कंप्लीट तौर पे जो है वो ढक जाए। ये देखिए चिकन हमारा जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि जब मैंने ये राइस डाले हैं तो चिकन हमारा अच्छे से इसके ऊपर ढक गया। बस इसी दम के ऊपर इसी पानी के ऊपर इंशाल्लाह ताला इसने बनना है। अब इसको मैं दम पे लगाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। अब तक इसका फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया है, बस अब अपने ये बकाया राइस जो मेरे बॉयल हो रहे हैं इसको मैं शामिल करूँगा, और इंशाल्लाह ताला इसका मैं फ्लेम ऑन करूँगा और दम पे लगाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अब बिरयानी पर हमारी दम आना शुरू हो गया। ये देखिए स्टीम जो है वो निकलना शुरू हो गई है ज़बरदस्त किस्म की। बराबर में मैंने एक तवा रख लिया है, अब आधे घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैंने जो है वो इसको तवे पे रखना है, दम पे लगाना है, और फिर इसको मैंने आधे घंटे के लिए भूल जाना है। आधे घंटे में इंशाल्लाह ताला चिकन का पानी, दही का पानी और जो हमने एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर डाला है राइस का वो खुश्क होगा और ज़बरदस्त किस्म की टिक्का बिरयानी होगी। फिर हम इसके ऊपर टिक्के का फ्लेवर एक दफ़ा और स्मोकी फ्लेवर जो है वो देंगे, तो आपको दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला। आधा घंटा तकरीबन जो है वो इसको रखे हुए बिरयानी को, हमारी टिक्का दम बिरयानी को हो गया। ये देखें ज़बरदस्त किस्म की स्टीम इसके अंदर से उठ रही है, और बस इसको एक दफ़ा और हमने जो है वो टिक्के वाला फ्लेवर जो है वो देना है, और बस ये ताकि हमारा राइस के अंदर जो है वो ये अच्छे से टिक्के का फ्लेवर शामिल हो जाए। बस 5-7 मिनट का और इंतज़ार है और उसके बाद बिरयानी खाने के लिए तैयार है। दोस्तों कोयले का जो है वो दम कंप्लीट हुआ राइस के ऊपर भी, और इसको बस मैं निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह चिकन टिक्का दम बिरयानी जो है वो तैयार है, और बस इसको ये देखिए इसका कलर देखिए, और बस इसको मैं डिश आउट करता हूँ। ये देखिए कितनी रसीली सी ये बिरयानी है, कलर इसका देख ले, मैंने इसके अंदर कलर का वही इस्तेमाल किया है जो बस शुरू में किया था। बोटी आपको इसकी दिखा देता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो सॉफ्ट हुई है। ये देखिए इसको मैंने कुक ही नहीं किया पहले ना, आपके सामने जो मैंने ये चीज़ें बनाई हैं अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये मसाला देखें इसका, जो मसाले हमने इसके अंदर शामिल किए बहुत ज़बरदस्त किस्म की है मसाले वाली जो है वो हमारी दम बिरयानी। ये देखिए एक एक चीज़ इंशाल्लाह ताला आपको इसकी बिल्कुल वाज़े तौर पे जो है वो नज़र आएगी।
ये देखिए भाई, इसी तरीके से आपने इसी रेसिपी से जो है वो बनाना है। और अगर यही सारी चीज़ें आपको हमारी जो है वो खानजी फूड्स 99 के चैनल पे जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो काविश आपके लिए कर रहे हैं, यही अगर आपको पसंद आ रही है तो बस आपसे रिक्वेस्ट हमारी सिर्फ यही होती है कि हमारे चैनल को जो है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। एक मरतबा फिर मेरी तरफ से तमाम व्यूवर्स जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हमें देख रहे हैं, उन तमाम व्यूवर्स को जो है वो मेरी जानिब से यानी एहसन की जानिब से और खानजी फूड्स 99 की जानिब से तमाम दोस्तों को जो है वो ईद की ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा की तरह अपना, अपनी फैमिली का, गिरद नवा में रहने वाले ज़रूरतमंद दोस्तों का ख्याल रखिए। खानजी फूड्स 99 से मुझे दीजिए अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त रेसिपीज़ ईद की छुट्टियों में आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।